हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ X5 में लोगो बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक लोगो दिया है। हमें इस तरह का लोगो बनाना रहेगा। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में जाएंगे और ए टूल लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हम एस लिख रहे हैं और एस की साइज हम बड़ी करेंगे। जैसे एस के फॉन्ट लोगो में है, वैसे फॉन्ट के लिए हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट है जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इम्पैक्ट फॉन्ट, जो एस के ऊपर सेट करेंगे हम। आप देख सकते हो जो लोगो में है वैसा वाला एस इस तरह का है। अभी हम टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल लेंगे और एस के ऊपर प्रॉपर सेट करेंगे। आप देख सकते हो जो ऊपर वाला लोगो है उस हिसाब से हमें कट करना रहेगा एस को। तो हम प्रॉपरली रेक्टेंगल को सेट करेंगे एस के ऊपर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को सेट किया है। जितना एरिया हमें सेलेक्ट करना है हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एस और रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हम ड्रैग करेंगे और अभी आपको प्रॉपर्टी बार में दिया है इंटरसेक्ट, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपका एस इंटरसेक्ट होगा। आप उसको उठा के साइड में रखो। आप देख सकते हो एस इंटरसेक्ट हो गया है और ओरिजिनल एस साइड में रह गया है। आप देख सकते हो एस जो इंटरसेक्ट हुआ था, हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतना ही आ गया है। अभी हम रेक्टेंगल को बॉर्डर लाइन देंगे। हम यहाँ से बॉर्डर लाइन दे रहे हैं रेक्टेंगल को। अगर कलर फिल करना है रेक्टेंगल में तो हम कलर फिल भी करेंगे। जो रेक्टेंगल में कलर है ग्रीन, वैसे ही हम एस में कलर फिल करेंगे ब्लू। ब्लू कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों में आ रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट रेड है। तो हमें दोनों को अलग करना रहेगा। अरेंज मेन्यू में जाके ब्रेकर कर्व पार्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से पॉइंट में हम यहाँ से रेड कलर फिल करेंगे। जो टेल वाला पॉइंट था वो रेड कलर हो गया और मेन पोर्शन एस का है वो ब्लू कलर। दोनों को हम सेलेक्ट करके अगेन हम अरेंज में जाएंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे और अभी हम उसको रेक्टेंगल में सेट करेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स में एस को सेट करेंगे। उसके लिए हमें अरेंज मेन्यू में जाना रहेगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में है। तो ऑर्डर में जाके हम टू फ्रंट ऑफ द पेज पे क्लिक करेंगे तो वो आगे आ जाएगा। अभी हम एस को सेट करते हैं बॉक्स के अंदर। आपको जिस तरह से सेट करना है हम सेट करेंगे रेक्टेंगल को और एस को। आप देख सकते हो इस तरह से वो सेट हो रहा है। जैसे लोगों में है उस तरह से हमें उसको सेट करना रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उसको सेट किया है ड्रैग करके। एरो की से हम उसको मूव भी कर सकते हैं अगर हमें स्मॉल सेटिंग्स लेना है तो। अप एंड डाउन एरो से हम उसको ड्रैग भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ड्रैग करके सेट किया, अभी ये हाफ पोर्शन हमारा रेडी हो गया है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम मेन लोगो के नीचे रख रहे हैं। अगेन एक और रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। जैसे ओरिजिनल लोगो में कलर है हम वो ब्लैक वाला कलर फिल करेंगे। और अभी हम टेक्स्ट लिखने के लिए पहले हमें वो बॉक्स सेट करना रहेगा जो हमने सेकेंड रेक्टेंगल लिया है, उसको प्रॉपरली सेट कीजिए। अभी हम टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के लिए हमें टूल बॉक्स में जाना रहेगा। टूल बॉक्स में जाइए और ए टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सन टीवी। अभी हम एरो टूल लेंगे और उसकी साइज चेंज करेंगे। फॉन्ट की स्टाइल भी हमें चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने इसको लेके वाइट कलर किया और अभी हम स्टाइल चेंज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल दिया, हम यहाँ से सेंचुरी टेक्स्ट सेट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे वो जैसी सिमिलर टेक्स्ट लोगों की थी उस तरह की टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अभी आपको टेक्स्ट को सेट करना है तो आप लोगों के अंदर जो बॉक्स है उसमें सेट कर सकते हो। एक्स्ट्रा एस को हम रिमूव कर देंगे और जो हमने लोगो बनाया उसको सिलेक्ट करके अरेंज मेन्यू में जाके हम ग्रुप कर देंगे। ये बन गया आपका लोगो। इस
तरह से हम लोगो बना सकते हैं। थैंक यू।